अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में आज शाम दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के शहर विधानसभा प्रतिनिधि संजीव माहेश्वरी के स्कूटी साइड लगने पर कहा सुनी होगी और जल्द ही यह मारपीट में भी तब्दील हो गई। राजीव की यहाँ पिटाई कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर हमलावर युवक वहाँ से भाग निकले। समर्थकों ने उस घर के मालिक को पकड़ लिया जहाँ ये हमलावर युवक खड़े हुए थे। आरोप है कि दूसरे संप्रदाय के लोग आए और पकड़े गए मकान मालिक को छुड़ा कर ले गए। इस पर वहाँ काफ़ी देर तक हंगामे व टकराव की स्थिति बनी रही। पुलिस क्षेत्र अधिकारी के सामने भी भाजपा समर्थकों ने खासी नाराजगी जताते हुए धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने फिलहाल दो हमलावरों को पकड़ लिया है। यह घटना ब्रह्मपुरी थाना अंतर्गत दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के निकट हुई है। देखिए छोटा सा निवेदन हमारा ही है। अरे अरे अब तो काम हो रहा है। इस मौके पर मौजूद फर्स्ट बाइट टीवी को राजीव काले ने यह जानकारी दी। आरोपी हुआ क्या, संजीव जी का फोन मेरे पास आया, मैं तुरंत यहाँ आया। आने के बाद एक पुलिस वाले आ गए, बाद में और दो दो लोग आ गए। आने के बाद हमने उनसे कहा कुछ तो कार्रवाई करो। उन्होंने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक ने कहा कि ये दुकान 10 साल से नहीं खुली है, सफेद झूठ बोल रहा था। फिर सबको पता दुकान खुल रही थी। मैं कहा देख लो दुकान कब से खुली हुई थी। उसके बाद उन्होंने मकान मालिक को बुलाया, मकान मालिक को पकड़ लिया। यहाँ के कुछ 8-10 लोग आए दरोगा जी से, उनके मकान मालिक को छीन के ले गए। हम जब तक कोई संतुष्ट कार्य कोई पकड़ा ना जाए। वहीं मारपीट का शिकार हुए भाजपा सांसद के प्रतिनिधि संजीव माहेश्वरी ने फर्स्ट बाइट को यह बताया। मेरा नाम संजीव माहेश्वरी है। संजीव जी क्या पता, मैं ईदगाह रोड से शिव चौक की तरफ जा रहा था, स्कूटर से था। ये जो नेशनल स्टोर करके है इस पे 4 जने खड़े हुए थे, उसके बराबर में एक लोहे का ठेला खड़ा हुआ था। इधर से भी ट्रैफिक जा रहा था, उधर से भी ट्रैफिक जा रहा था। मैं उधर से आ रहा था, वो एक बात करते करते, 4 जने बात कर रहे करते करते पीछे हट गए। मेरा स्कूटर हल्का सा टच हो गया उनसे। उसके बाद उन्होंने गाली गुफ्तार करनी शुरू कर दी। मैंने कहा भैया तुम्हारा इलाज मैं अभी बताता हूँ। मैंने सबसे पहले SO साहब को फ़ोन किया, फिर राजीव भाई काले को करा। जिस बीच में मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने उठा के वो प्लास्टिक की ट्रे जो कोल्ड ड्रिंक की होती हैं वो उठा के मेरे सिर में मारनी शुरू कर दी। मैं यहाँ रुक गया, इतनी देर में दुकान बंद करके बात करें, बस इतनी घटना हुई। उसके बाद क्या कोई, उसके बाद ये पुलिस तुरंत आ गई थी। उसके बाद जो अब ये कार्रवाई कर रहे हैं, अभी ने मैंने अपनी घटना बता दी है। अभी तक पुलिस क्षेत्र अधिकारी का यह कहना था। ठेला लगा हुआ था, एक महोदय बगल से स्कूटी से गुजर रहे थे, इस दौरान ठेले से स्कूटी में टक्कर लगी। इसी बीच दोनों लोगों के बीच कहा सुनी हुई। पुलिस मौके पर पहुँच गई, तहरीर प्राप्त की जा रही है और जो भी साक्ष्य होंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तरीके से जरा सी गलती पे इस तरीके से पिटाई, उनकी उम्र का भी शर्म नहीं। शिव चौक पे जो ये घटना हुई है, इसकी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे व्यक्ति को बाहर सड़क पे नहीं रहना चाहिए, उसका स्थान जेल है। इसलिए हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं सब कानून में विश्वास रखने वाले हैं और उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कहकर
जिससे कि कोई माहौल ना बिगड़े हमारे शहर का। इस बात का परिचय हमारे माननीय पार्षद और हमारे राजीव काले पार्षद जी और संजीव जी ने दिया और वहाँ पर सब कार्यकर्ताओं को समझाया कि इस तरह से कोई माहौल ना बिगड़े और थाने पर अब आए हैं हम। और हमने निवेदन करा है SSP साहब से और CO साहब से भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लंबे समय के जेल जाने चाहिए लंबे समय के लिए, अन्य तो ये शहर के लिए बहुत खतरा है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हम लोग भी कब तक शांत रहेंगे, ऐसा ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है ज़्यादा समय तक। तो इसीलिए हमने CO साहब से कहा है और CO साहब ने हमारे से कहा है कि आज रात में वो लोग थाने में जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इस बात की जिम्मेवारी CO साहब और इंस्पेक्टर साहब ने ली है, हम सब कार्यकर्ताओं ने उनका विश्वास किया है, हमने उन्हें एक दिन का समय दिया है। अगर नहीं करा तो हम अपने सारे अपने जो अधिकारी हैं ऊपर के भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सब की नोज मिलाएंगे अगर आगे आके रणनीति तय करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम PET CT उचित शुल्क पर उपलब्ध है।